हेलो फ्रेंड्स, मुझ परमे आपको टेक्निकल परमे चैनल को स्वागत करती। तो फ्रेंड्स देखो, आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर तरफ आपको नोटिफिकेशन टी रही। तो ये आपको वेरियस पोस्ट वैकेंसी बाहर ची। तो यह चाहिए आम ओडिशार समस्त जिलार पिला माने आवेदन करेंगे और चाहिए यह उभय पुरुष और महिला आवेदन करेंगे। तो जो मैंने भी ए निजुक्ति पाया चाहते आवेदन करने को चाहते तो यह कमी आवेदन करेंगे, लास्ट डेट के आप क्वालिफिकेशन कौन रही, सिलेक्शन प्रोसेस केमी मुझे वीडियो माध्यम से सब डिटेल्स कह। तो दयाकर आपने भिडियो को शेष जाए देखते सबकी डिटेल्स जापारे और जो मैंने भी एमती जब रिलेटेड भिड मैं देखा चाहते तो निहाँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ कहीं एमती भल भल सरकारी जब्र अपडेट देता है। तो चलते फ्रेंड्स बेसी डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स देखो, आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर तरफ आपको नोटिफिकेशन टी रही। तो चलते प्रथम कथा मैं आप टोटल पोस्ट के वैकेंसी रही। तो देखो ये आप टोटल पोस्ट वैकेंसी रही, 12 पोस्ट वैकेंसी रही। तो जदि सो आम ए वैकेंसी डिटेल्स विषय में कथा बोले देखो, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फील्ड वर्कर पर तीनटी पोस्ट वैकेंसी रही, लैब टेक्नीशियन पर दुईटी पोस्ट वैकेंसी रही, जूनियर नर्स पर गोटे पोस्ट वैकेंसी रही, रिसर्च असिस्टेंट पर तीनटी पोस्ट वैकेंसी रही, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर पर दुईटी पोस्ट वैकेंसी रही, जूनियर मेडिकल ऑफिसर पर गोटे पोस्ट वैकेंसी रही। तो ये आपकी टोटल पोस्ट वैकेंसी रही, 12 पोस्ट वैकेंसी रही। तो जदि सो आपने आवेदन करने को चाहते तो यह क्यों आवेदन करेंगे, तो देखो तो यह आम ओडिशार समस्त जिलार पिला माने आवेदन करेंगे और चाहिए यह उभय पुरुष और महिला आवेदन करेंगे। तो कथ मैं जी आप जब लोकेशन जब पोस्ट केवटी हे, तो देखो ये आप जब लोकेशन जब पोस्ट भुवनेश्वर ही आप जब लोकेशन जब पोस्ट रही। तो जो मैंने भी आवेदन करने को चाहते तो यह कमी आवेदन करेंगे, तो देखो यह इमेल साहय आवेदन करने को पड़ो। तो आवेदन लास्ट डेट रही है आपंकर 30 जून 2020 सुधा आपको आवेदन करने को पड़ो। एवं ईमेल एड्रेस रही है आपंकर drdas60@redipmail.com। तो आपने ईमेल एड्रेस आपको पठावाक पड़ो। तो तापर कथा मैं जी आपको एप्लिकेशन फीज कौन रही, तो देखो ये आपसी एप्लिकेशन फीज लगूना। तो आपने जो कास्ट रही आपने मागणारे आवेदन करेंगे। तो कथा मैं जी आप क्वालिफिकेशन एज लिमिट और सैलरी कौन रही, तो देखो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फील्ड वर्कर पर क्वालिफिकेशन रही। तो जदि आपने प्लस टू पास करते तो कौथे साइंस जदि आपने प्लस टू पास करते बोले आपने आवेदन करेंगे, और आपंकर 2 वर्ष फील्ड वर्क आपंकर जो एक्सपीरियंस अच्छी बोले आपने आवेदन करेंगे, और ये आपंकर एज लिमिट रही है आपंकर मैक्सिमम 30 वर्ष होने आवेदन करेंगे, 30 अधिका हो नाक दरमा रही 18,000 टका आपको दरमा पारे। तो नेक्स्ट रही है आप लैब टेक्नीशियन आपको क्वालिफिकेशन कौन रही, तो देखो ये आप क्वालिफिकेशन रही प्लस टू पास करते तो कौन, तो देखो आप जो साइंस जदि आप प्लस टू पास करते आवेदन करेंगे, तो सहित 2 वर्ष डिप्लोमा करते तो कौन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी जदि आप 2 वर्ष डिप्लोमा करते बोले आपको आवेदन करेंगे, और आपको एज लिमिट रही मैक्सिमम 30 वर्ष होती बोले आपने आवेदन करेंगे, और ये दरमा रही मासक 18,000 टका पर मंथ मासक दरमा पारे। तो नेक्स्ट रही आप जूनियर नर्स क्वालिफिकेशन रही हाई स्कूल अर्थात आप जैसे 10म पास करते आपंकर एएनएम कोर्स करते आपने आवेदन करेंगे, और आप एज लिमिट रही मैक्सिमम 28 वर्ष होने आवेदन करेंगे। तो जदि आपंकर बयस 28 अधिका होती आपने आवेदन करेंगे ना, और आप दरमा रही 18,000 टका मासक दरमा पारे। तो नेक्स्ट रही आपको रिसर्च असिस्टेंट पर आप क्वालिफिकेशन रही ग्रेजुएशन करते बोले आपने आवेदन करेंगे, सहित आपंकर एक्सपीरियंस रही निहाती दरकार। तो ये आप एज लिमिट रही मैक्सिमम 30 वर्ष होने आपको आवेदन करेंगे, और ये आप दरमा सैलरी रही मासक 31,000 टका मासक दरमा पारे। तो नेक्स्ट रही आप प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर पर क्वालिफिकेशन रही ग्रेजुएशन करते बोले आपने आवेदन करेंगे, तो कौन सोशल साइंस जदि आपने ग्रेजुएशन करते कि सोशल वर्क सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जदि आपने ग्रेजुएशन करते बोले आपने आवेदन करेंगे, तो सहित आपंकर एक्सपीरियंस रही निहाती दरकार। एथि आपंकर एज लिमिट बा बयस सीमा रही मैक्सिमम 30 वर्ष होने आवेदन करेंगे, 30 अधिका हो नाक दरमा बा सैलरी रही 32,000 टका मासक दरमा पारे। तो नेक्स्ट रही आपको जूनियर मेडिकल ऑफिसर पर क्वालिफिकेशन रही एमबीबीएस डिग्री विथ आपंकर एक्सपीरियंस अच्छी बोले आपने आवेदन करेंगे, तो ये आप एज लिमिट रही मैक्सिमम 35 वर्ष होने आवेदन करेंगे, 35 अधिका हो ना,
আপনার দরমা রয়েছে মাসক 60,000 টাকা এতে আপনার মাসক দরমা পাই পারবে। তো নেক্সট রয়েছে আপনার সিলেকশন প্রসেস বিষয়ে, তো দেখুন তো এতে আপনার সিলেকশন প্রসেস রয়েছে, আপনার ওয়াল্ক ইন ইন্টারভিউ রয়েছে, তো আপনার কেবল সাক্ষাৎকারে হিতে আপনার সিলেকশন প্রসেস করা যাব। তো নেক্সট রয়েছে আপনার ডকুমেন্ট ইমেল সাহায্যে আপনার কোন কোন পঠাইবে, তো দেখুন তো এতে আপনার প্রথমে সিভি ফাইলে আপনার পঠাইবাকে পড়িব এবং অল এডুকেশনাল সার্টিফিকেট মার্কশিট আপনার পঠাইবাকে পড়িব এবং আপনার কাস্ট সার্টিফিকেট আপনার পঠাইবাকে পড়িব এবং আপনার রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটো আপনার পঠাইবাকে পড়িব। এবং যদি সব আপনার অধিকা কিছু জিনিস জানিবাকু চাহুচ্ছেন তো অফিসিয়াল ওয়েবসাইট মু ডিসক্রিপশনে মধ্যে দেই দিছি, আপনার ভিজিট করে পারবে এবং অফিসিয়াল নোটিফিকেশন বি মু ডিসক্রিপশনে মধ্যে দেই দিছি, তো আপনার চেক বি করে পারবে। তো এইতলে আপনার নোটিফিকেশন ডিটেলস। তো যদি সব আপনার এমিতি জব রিলেটেড ভিডিও মধ্যে দেখবা পাই চাহুচ্ছেন তো নিহাতি চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করন্তু, কাইকিনা মু এমিতি ভালো ভালো সরকারি জব অপডেট দেই থাই। তো ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় জগন্নাথ।